पैसे अगर कम हैं तो टियागो का ये वेरिएंट आपके लिए काफी वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। अगर जरूरत के फीचर्स ही केवल उम्मीद करते हो तो ये वेरिएंट काफी सही है, क्योंकि की काफी शानदार है। लॉक अनलॉक और फॉलो मी हेडलैम्प के बटन आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सर्वेश, स्वागत करता हूं आपका SS ऑटोमोटिव में। तो आपके सामने खड़ी है टाटा पंच का एडवेंचर 2024 वेरिएंट, इसी का ही रिव्यू किया जाएगा। एक्सट्रीगेंट ये फीचर्स, ऑन रोड प्राइसिंग, साथ साथ ये भी बात करेंगे इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले इस वेरिएंट की अगर हम प्राइसिंग की बात करते हैं तो ये वेरिएंट आपको एक्स शोरूम 6,99,000 रुपये में आरकेएल मोटर गोरखपुर यूपी पे देखने को मिल जाता है। डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ऑन रोड प्राइसिंग की बात करें तो ये अप्रॉक्स आपको 8 लाख रुपये तक ऑन रोड आपको देखने को मिल जाती है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस गाड़ी के अंदर चलते हैं, सारे फीचर्स को दिखाते हैं, उसके बाद लास्ट में बात करते हैं इस गाड़ी को हमें क्यों लेना चाहिए, मतलब इस वेरिएंट को हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों ये वेरिएंट ज़्यादा खास है। चलिए चलते हैं इस गाड़ी के अंदर और पहले बात देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है ना कि इस गाड़ी का डोर वगैरह काफ़ी वाइड ओपन होता है, आप खुद देख लो काफ़ी ज़्यादा वाइड ओपन होता है, तो ये चीज़ बहुत सही है। दूसरी बात है ग्लास एरिया भी बड़े साइज़ का मिलता है, क्वालिटी वगैरह ठीक है प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से। विंडो वायरमेंस के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, लॉक अनलॉक वगैरह मिलता ही है। बाकी यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर्स, स्पीकर वगैरह देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। ये कलर देखिए, मतलब कुछ अलग टाइप का है ना। बाकी इंटीरियर कुछ इस तरह का मिलता है, टाटा पंच एडवेंचर 2024 का शानदार इंटीरियर मिल जाता है ठीक ठाक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइट एडजस्टमेंट नहीं मिलता, सीट एडजस्टमेंट मिलता है। लेकिन जो भी चीज़ें हैं इस गाड़ी, पहले यहाँ पे देखिए आइडियल स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है यहाँ पे। और चलिए पहले की लगा लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं अंदर बैठ करके क्या क्या चीज़ें और भी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती हैं। पहले की लगा लिया, चलिए गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इस गाड़ी का डोर 90 डिग्री पे ओपन होता है, बहुत ज़्यादा खोल दो ना तो बंद करने में दिक्कत होती है, लेकिन कोई बात नहीं, होता है भाई, क्योंकि जितना ज़्यादा डोर वाइड ओपन होगा उतना बेहतर है, आपको बैठने उठने में परेशानी नहीं होगी। कई कंपनियों में ऐसा नहीं है लेकिन टाटा में ये चीज़ है, अच्छी बात है। इंटीरियर आप देखो कैसा लग रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा कुछ ना करते हुए। स्टेयरिंग व्हील से स्टार्ट करते हैं, लेदर ट्रीटमेंट वगैरह मिलता नहीं है। माउंटेड कंट्रोल यहाँ पे आपको म्यूजिक कॉल वगैरह के मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। बीच में टाटा का लोगो मिल जाता है, भाई साहब यार यहाँ पे वो वाला लोगो मिलता है एलिमिनेटेड वाला, तो कितना अच्छा रहता ना, जैसे ईवी में मिलता है, खैर आ जाएगा वो भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ देखिए क्या शानदार इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, वही आप इससे वाकिफ हो, हमेशा देखते आ रहे हो, वही आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए MID आपको मिल जाती है, फुल इन्फॉर्मेशन देती है, टैकोमीटर वगैरह सब कुछ आपको मिल जाता है। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो हर एक चीज़, यहाँ से फ्यूल एवरेज वगैरह जो भी चीज़ें हैं, डिस्टेंस वगैरह सब कुछ यहाँ से आप देख सकते हो। ये देख भाई, छोटी सी प्यारी सी MID आपको मिलती है, रेडियो वगैरह सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और देखा जाए तो बस काम का है, मतलब रेडियो ब्लूटूथ वगैरह आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो, जो कि ठीक है, इसको ऑपरेट यहाँ से कर सकते हो, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो, बटन वगैरह दिया हुआ है। बीच में रियर एसी वेंट्स मिल जाता है, जार्ड लैंप का कंट्रोल आपको मिल जाता है, यहाँ पे आपको एसी मिल जाता है। देखिए ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, नॉर्मल एसी है, लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, डिज़ाइन ऐसा दिया गया ऐसा लगता है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नॉर्मल एसी है। यहाँ पे आपको एक USB मिलता है, 12 वोल्ट का सॉकेट्स मिल जाता है, फ़ोन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाता है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स। जानते हैं आप 12 वोल्ट का सॉकेट्स देना चाह रहा था कंपनी, इसकी वजह से हमको लग रहा वो ना दे करके आप बाहर से लगवा सकते हो, अगर लगवाना चाहो 12 वोल्ट का सॉकेट लगवा सकते हो, USB वगैरह कुछ भी यहाँ पे लगवा सकते हैं। देखिए ये जो सीट कवर लगा हुआ ना, ये एक्सेसरीज का पार्ट है, तो ये मैं सोचिएगा सीट कवर लगा के दिया जाता है, फैब्रिक में ही इसमें आपको सीट वगैरह देखने को मिल जाती है। ग्लव बॉक्स भाई बड़े 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 साइज़ का मिलता है, गजब का है, काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज़ का मिलता है। डिज़ाइन वगैरह खैर अच्छा ही मिलता है, सारी डिज़ाइनें अच्छी मिलती हैं। और यहाँ पे वैनिटी मिरर वगैरह मिलता नहीं है, IRVMs आपको मैनुअल मिलता है, रीडिंग लैंप आपको मिल जाता है, और इधर देखेंगे तो वैनिटी मिरर एक देखने को मिल जाता है। बाकी सनरूफ वगैरह तो खैर मिलता नहीं है, S लोगे तो मिल जाएगा, अगर नाम के आगे S जुड़ गया है तो सनरूफ मिलना ही मिलना है। इंटीरियर वगैरह आप देख सकते हो काफ़ी शानदार है, अच्छा इंटीरियर मिलता है, देखने में काफ़ी सही लगता है, जो कि अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए ट्विटर मिल जाता है दोनों ही, और उधर भी और इधर भी, जो कि यार काफ़ी अच्छी बात है भाई, इतने कम बजट में आपको ट्विटर वगैरह सब कुछ मिल रहा है, यही तो इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है, इसीलिए सबसे ज़्यादा बिकती भी है और बिकना भी चाहिए भाई। और भी चीज़ें तो काफ़ी सही है, पैडल्स वगैरह आप देख सकते हैं, बाकी इंटीरियर वगैरह, ये जो कलर है देखिए वाइट के साथ ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और भी चीज़ें तो ठीक हैं, ये क्या है, ये परफ्यूम वगैरह है, टाटा द्वारा दिया गया है, शोरूम द्वारा,
तो बाकी चीज़ें सही है। चलिए उतरते हैं और पीछे की सीट पे चलते हैं, देखते हैं कैसा स्पेस वगैरह मिलता है इसमें। तो देख लीजिए आपको फीचर्स के नाम पे ठीक ठाक फीचर्स मिल जाते हैं, प्राइसिंग के हिसाब से ठीक ही मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलते हैं, बहुत कम भी नहीं मिलते हैं। डायमेंसी काफ़ी सही है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, लेंथ मिल जाती है 3827 mm की, विथ मिलती है 1742 mm की, हाइट मिलती है 1615 mm की। व्हील बेस की बात करें तो 2445 mm का आपको व्हील बेस इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो एक सिटी के हिसाब से काफ़ी सही है, आराम से सिटी में चला सकते हो। क्लाइडिंग वगैरह ठीक ही मिलती है, व्हीलाज भी सही मिलता है, सस्पेंशन तगड़े वाले मिल जाते हैं। टायर साइज़ की अगर बात करें इसमें 185/70R 15 inch के स्टील लिम्स मिलते हैं, व्हील कैप ब्लैक कलर का मिलता है। देखिए व्हील कैप भी आपको ब्लैक कलर का मिलता है, अंदर भी आपको ब्लैक है तो अच्छा लगता है देखने में। क्लाइडिंग वगैरह काफ़ी थिक आपको मिलती है चारों ही ओर, देखिए कितनी ज़्यादा बड़ी क्लाइडिंग मिलती है। रेडिकल एडजस्टेबल वॉल्यूम्स मिलते हैं, टर्न इंडिकेटर लेकिन आपको वॉल्यूम्स पे ही मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है। साइड से डिजाइन आप देखो गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, प्रोफाइल वगैरह साइड से काफ़ी शानदार लगती है, और काफ़ी जगह पे कार्बन ब्लैक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी बात है। और अगर बात करें तो इसका डोर वगैरह भी काफ़ी वाइड ओपन होता है, सेकेंड रो वाला देख लो कितना वाइड ओपन हो रहा है, देख रहे हो, ये चीज़ यार बहुत अच्छी लगती है। ग्लास एरिया वगैरह भी बड़ा मिलता है, क्वालिटी वगैरह भी सही मिलती है, लॉक अनलॉक मिल जाता है, विंडो के कंट्रोल से ही मिल जाते हैं। ये कलर यार बहुत अजीब लग रहा है, बॉटमलेस स्पीकर मिलते हैं। यहाँ पे आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं। गाड़ी के अंदर बैठते हैं उसके बाद बात करते हैं और भी क्या क्या चीज़ें इस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाती हैं। देखिए सीट का कंफर्ट सही है, अच्छा है, नेक्सॉन के लेवल का आपको थाई सपोर्ट वगैरह सब कुछ मिल जाता है, कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं है। सीट की कुशनिंग अच्छी है, बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है, रिक्लाइन एंगल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सीटी हाईवे पे लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेग रूम भी ठीक है, सीट पूरी पीछे है, इसके बावजूद लेग रूम आपको इतना मिल रहा है, अगर मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करूँ तो कम से कम आपको इतना लेग रूम मिलेगा, देख लीजिए। और पूरा पीछे करोगे फिर भी आपको लेग रूम मिल रहा है, मतलब आगे कितना भी बड़ा बंदा बैठ जाएगा आपको लेग रूम मिलना ही मिलना है। तो यही सबसे बड़ी खासियत है कि भाई आगे वाला ड्राइवर कितना लंबा है, छोटा है, कैसा है, इससे कोई मतलब नहीं है, आपको लेग रूम मिलेगा। सीट बेल्ट वगैरह मिल जाता है, एडजस्टेबल नहीं, फिक्स ही हेडरेस्ट आपको देखने को मिलते हैं। सीट ये जो लेदर ट्रीटमेंट लगा हुआ है, ये शोरूम द्वारा एक्सेसरीज का पार्ट है, लगा गया है। क्रैब हैंडल्स आपको दोनों ही ओर आपको देखने को मिल जाते हैं, और सेंटर में कुछ नहीं मिलता है आपको, कुछ खास चीज़ें नहीं मिलती हैं। इंटीरियर देखिए टाटा पंच एडवेंचर 2024 इंटीरियर भी ठीक ही मिलता है अपने हिसाब से। इधर देखिए पार्सल टेप वगैरह मिल जाता है, अच्छा पंच का पीछे का देखिए कितना शानदार मिलता है, मतलब ड्राइवर देखना चाहे पीछे तो कोई भी दिक्कत उसको होने वाली नहीं है, आराम से आप ग्लास एरिया वगैरह पीछे का काफ़ी ज़्यादा सही आपको देखने को मिल जाता है। तो ये चीज़ होना चाहिए तकरीबन हर गाड़ी में, तो ये चीज़ अच्छा है, यही तो पंच की खासियत है। जल्दी इसका अपडेट वर्जन आ जाए, टाटा ला दे तो मज़ा आ जाए। तो चलिए ये बूट वगैरह दिखाता हूँ मैं। ये बात तो है यार, गाड़ी में थोड़ी सी एक्सेसरीज मतलब कुछ भी लगवाओ या ना लगवाओ आप, यार सीट कवर जरूर लगवाया करो, बहुत मतलब सही लगता है देखने में। रियर की प्रोफाइल भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब मुझे लगता है इसमें बदलाव कर देना चाहिए, फेसलिफ्ट आना चाहिए यार, जैसे यार इसका पंच ईवी का है सेम इसी तरीके से आने चाहिए। ऊपर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिल जाता है, नॉर्मल वाला एंटीना मिलता है, साकफिन नहीं मिलता है, और वाइपर डिफॉगर तो नहीं मिलता है कोई भी इसमें, आपको देख सकते हैं कोई भी वाइपर या डिफॉगर आपको नहीं मिलता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर देखिए डिज़ाइन वगैरह काफ़ी सही है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छी लगती है, टाटा का लोगो वगैरह यहाँ पर हैलोजन बेस आपको टेल लैंप मिलता है, इंडिकेटर मिलता है, रियर फॉग लैंप भी हाइड्रोजन बेस ही मिलता है, टाटा का लोगो यहाँ मिल जाता है, पंच की बैजिंग मिल जाती है। बूट वगैरह दिखाते हैं, बूट वगैरह यार काफ़ी सही है, ऊपर से देखो कितने अच्छे से कवरअप किया गया, हर एक पार्ट को अच्छे से कवरअप किया गया, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है, टाटा की खासियत अच्छी लगती है। पार्सल ट्रे भी इस वेरियंट में मिल जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और अगर बूट की हम बात करें तो इसमें आपको 366 liter का बूट स्पेस मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बूट लैंप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत सही है। बेंच वाली सीट मिलती है, कोई 60-40 वगैरह तो देखने को नहीं मिलता, देख सकते हैं बेंच वाली ही सीट आपको मिलती है, 60-40 नहीं मिलता है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो स्पेयर व्हील आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप देखिए खुल जा भाई, यहाँ पे है, रुकिए खुलते हैं अच्छे से, कहाँ गया भाई इसका, ये रहा, ये देखिए स्पेयर व्हील भी आपको देखने को मिल जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, सब चीज़ बेहतर है, तो हर एक चीज़ बेहतर है भाई। बूट वगैरह काफ़ी बड़ा मिलता है, तो यही इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत है कि बूट वगैरह भी अच्छा मिल जाता है, चीज़ें जो इस बजट में आपको नहीं मिलेगी वो मिल जाती हैं। कार्बन ब्लैक में आपको लोअर बम्पर मिलता है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, स्किड प्लेट भी ब्लैक कलर की ही देखने को मिल जाती है, सही है अपने हिसाब से, काफ़ी सही है, सही नहीं है काफ़ी ज़्यादा सही है। देख लो साइड से गाड़ी हर एक वेरियंट काफ़ी सही लगता है इसमें आपको। 37 liter की फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी इसमें आपको देखने को मिल जाती है, जो कि सही है, जबकि नेक्सॉन में 44 liter की मिलती है, खैर वो तो इससे ऊपर का सेगमेंट हो जाता है।
लुक वाइज गाड़ी काफ़ी अच्छी लगती है, देखने में काफ़ी शानदार लगती है, आप देख सकते हो। मतलब ये कह सकते हो हायर वेरिएंट नहीं है, एकदम लोअर वेरिएंट है ये। हैलोजन बेस आपको पायलट लाइट मिल जाती है, इंडिकेटर भी आपको हैलोजन बेस ही मिलता है, हेडलैम्प भी आपको हैलोजन बेस मिलता है, बाकी फॉग लैम्प वगैरह मिलता नहीं है, लोअर ग्रिल सही मिलती है, कार्बन ब्लैक का पूरा यूज़ किया, फॉग लैम्प वगैरह खैर मिलता नहीं है। टाटा का लोगो मिल जाता है, ग्रिल वगैरह पियानो ब्लैक फिनिश में ही आपको देखने को मिलता है। देखिए टाटा आप क्रोम का यूज़ बिल्कुल भी बंद कर दिया, बहुत कम ऐसी जगह है जहाँ पे क्रोम का यूज़ करता है, तो जो कि एक बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। अब कंपनियाँ ज़्यादातर क्रोम का यूज़ नहीं ही कर रही हैं, तो एक अच्छी बात है, गाड़ी पियानो ब्लैक फिनिश में ही काफ़ी प्रीमियम लगती है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो वही 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो 86 पीएस की पावर देता है, 150 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोवाइड करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी जो ERI अप्रॉक्स कंपनी जो क्लेम करती है वो 20 एमपील का है, जो कि इस गाड़ी के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है। बाकी चीज़ें सेफ्टी फीचर्स में कोई कमी नहीं है, 2 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी को हमें क्यों लेना चाहिए। देखिए इस वेरिएंट को लेने का तीन सबसे मोटा मोटा रीजन ये है, पहली चीज़ है सेफ्टी। अगर आप सिटी में चलते हो तो भी अच्छी सेफ्टी देगी, हाईवे पे चलते हो तो भी आपको अच्छी सेफ्टी मिलेगी। अगर आप ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो जो आपकी फैमिली के लिए है, हाईवे पे आपकी रनिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपकी हाईवे पे रनिंग है, बजट भी कम है, सेफ्टी चाहते हो फैमिली के लिए और माइलेज भी चाहते हो, मतलब ठीक ठाक आपको माइलेज भी निकाल करके दे दे, बहुत ज़्यादा फीचर्स की उम्मीद नहीं है, बजट आपका एकदम टाइट है, तो ये वेरिएंट आप ले सकते हो। बाकी अगर फॉन्ग्स पे जाना चाहते हो तो उसमें आपको डेल्टा वेल्टा वेरिएंट मिलता है, कुछ खास फीचर्स उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इसमें आपको थोड़ी सी सेफ्टी एक्स्ट्रा मिल जाती है, आपकी फैमिली के लिए सेफ्टी अच्छा मिल जाती है, माइलेज भी आपको ठीक ठाक ये दे देती है, तो कहीं ना कहीं इस मामले में ये वेरिएंट काफ़ी सही हो जाता है और आप ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फॉलो मी हेडलैम्प जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और आपको थोड़े बहुत काम कराना चाहते हो तो करा सकते हो, वरना नहीं भी कराओगे तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, इतने फीचर्स में खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये रहा टाटा पंच एडवेंचर 2024 का रिव्यू, वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।